में धान खरीदी बारदानों की कमी से प्रभावित हो रही है, वहीं केंद्र में पहुंचे पुराने बारदानों की हालत ऐसी हो गई है कि जिसमें धान खरीदना मुश्किल हो गया है। शासन के नियमानुसार 50% नए और 50% पुराने बारदानों में ही धान खरीदी करनी होगी। केंद्र में मिलर से भेजे गए पुराने बारदाने अधिकतर कटे फटे खराब हैं और इससे धान खरीदी केंद्र में लेबर लगाकर इनकी सिलाई करनी पड़ रही है। धान खरीदी केंद्र के प्रभारियों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। समय से बारदाना आपूर्ति ना होने पर किसानों को भी नुकसान होगा। यहाँ पे कितना बारदाना आया था मिल से? 3000। तो कैसा है बोरा? बोरा सब फटा पुराना है, सब फटे हैं, सब जिसको सिला के हम लोग धान भरवा रहे हैं। आपके यहाँ पे बारदाना कितना फटा निकला? 200 तक मिला। तो कहीं जानकारी दी है इसके? जानकारी कोई जगह नहीं दिया, मतलब राशन का बढ़ाना था। हम लोग पहले तो अमानत में नहीं लिया करके, जैसे राशन का बढ़ाना आ जाएगा उसको अमानत में उसको वापसी भेज देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश्वर मंडल। कितना बारदाना खराब निकला आपके यहाँ पे? करीब करीब 500 हुआ। कहाँ से भेजा था? मिलर से भेजा था। तो कहीं शिकायत की इसका? ऑफिस में मतलब कंप्यूटर वाले को जानकारी दिए, साहब के भी बोले। बिलासपुर में आम आदमी